दिल्ली की सड़कों पर जो दरिंदगी हुई है, जिस तरीके से एक बेटी तड़प तड़प के मर गई, उसके बाद से परिवार गुस्से में है, नाराजगी जाहिर कर रहा है। और यही वजह है कि कल इस पुलिस थाने के सामने यहां पर हंगामा करता हुआ परिवार नजर आया है, इंसाफ की मांग कर रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। प्रियंका काटपाल मेरी सहयोगी फिलहाल उसी परिवार के साथ मौजूद है, क्योंकि कल भी वो उनके साथ मौजूद थी। क्या स्थिति है परिवार की? परिवार गुस्से में है। परिवार का ये दावा है कि पुलिस की थ्योरी जो है वो सही नहीं बैठ रही, यानी कि संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है परिवार। ऐसे में प्रियंका, आज परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? परिवार की आज की वर्जन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है। जी देखिए, बिल्कुल आज सुबह ही उनके परिजन से हमारी यहाँ पर बात हुई है। उनका कहना है कि पुलिस के साथ उनका जो पुलिस की कार्रवाई जो अभी तक हो रही है उससे वो अब संतुष्ट हैं, पर अभी भी वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि पीएम रिपोर्ट के बाद ही वो शव को लेकर जाएंगे क्रिमेशन के लिए। देखिए, ताजा अपडेट यहाँ से ये है कि परिवार के कुछ सदस्य यहाँ से निकल गए हैं, मौलाना आजाद कॉलेज के लिए कुछ सदस्य पुलिस की देखरेख में यहाँ से निकले हैं, पुलिस वाले भी उनके साथ यहाँ गए हैं। यहाँ से वो मौलाना आजाद जो हॉस्पिटल है जहाँ पर पीएम हुआ है वहां जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली वहां पर पीएम रिपोर्ट और बॉडी दोनों के लिए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से परिवार जो है वो बोलता आ रहा है कि पीएम रिपोर्ट ना मिलने तक लड़की की बॉडी को नहीं लिया जाएगा। ऐसे में सुबह से पुलिस यहां पर मौजूद है और लगातार कन्विंस करने की बात करने की भी कोशिश परिवार से हो रही थी। फिलहाल तकरीबन 3-4 मिनट पहले ही यहां से परिवार के कुछ सदस्य पुलिस के साथ पुलिस की गाड़ी में बैठकर आजाद कॉलेज के लिए निकल गए हैं। परिवार का कहना है कि जो लड़की साथ में दिख रही थी सीसीटीवी फुटेज में, अब उससे पुलिस पता करे कि ये क्या पूरा केस हुआ है। और साथ ही साथ पीएम रिपोर्ट से भी कई चीजें मोनिका बाहर आ ही जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से सेक्सुअल असॉल्ट की शंका परिवार जता रहा है वो पीएम रिपोर्ट से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और लगातार पुलिस तो सुबह से सीसीटीवी फुटेजेस आने के बाद इस बात से नकार ही रही है, साफ तौर पर रेप थ्योरी को मना ही कर रही है, क्योंकि साफ सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है कि दोनों लड़कियां साथ बैठकर जा रही हैं। जिस तरीके की खबर आ रही है कि लड़की जो है वो एक्सीडेंट से डर गई थी, तो फिलहाल परिवार का ये कहना है कि लड़की अब सच बताए और साथ ही साथ पीएम रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद ही क्रिमिशन के लिए आगे लेकर जाएगा परिवार। जी मोनिका, आज अहम कड़ी हो सकती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लेकिन परिवार से आपने लगातार बातचीत की है, कल भी आप वहां पर मौजूद थी, क्या जो लड़की मृतका के साथ नजर आ रही है, क्या परिवार उस लड़की को जानता था, ऐसे कुछ संकेत परिवार ने दिए, अगर आपकी कोई बातचीत हो पाई हो? देखिए, परिवार का साफ तौर पर कहना है कि लड़की कौन थी, कहाँ रहती थी, ये सारी जिम्मेदारी अब पुलिस की पता करने की है। और उनका कहना है कि लड़की, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हल्का हंगामा भी यहाँ पर होने लगा था, क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल लगा प्रियंका था लौट रहे हैं आपके पास ग्राउंड जीरो से, लगातार आप और मोनिका अपडेट दे रहे हैं। लेकिन अब एक नजर डाल लेते हैं दिल्ली के कांचावाला केस से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरों पर।